जो आईबीएस बीमारी होती है, आईबीएस आपके पेट से संबंधित एक समस्या होती है और उसके पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं जो कि इस तरह की बीमारी से ग्रसित होते हैं, और वो अक्सर परेशान रहते हैं। कभी उनका पेट ठीक रहता है, कभी उनको डायरिया हो जाएगा, कभी उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, पेट में दर्द रहेगा, क्रैम्प्स आएंगे, मरोड़ आते हैं पेट में, हमेशा गैस बनता है। एक पेट को लेकर हमेशा वो चिंतित रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं। उनको लगता है कि पेट साफ़ नहीं हो रहा है, सारा ध्यान पेट पर रहता है और उसकी वजह से वो असहज महसूस करते हैं। और यह जो आईबीएस होती है, इस आईबीएस के अंदर आपकी डाइट का, आपके खान पान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपका अगर खान पान जो होता है वो अगर आपका सही है, लाइफ स्टाइल आपका सही है, स्ट्रेस अगर आपका बिल्कुल कम है या नहीं लेते हैं, अच्छी नींद लेते हैं, तो इस बीमारी को काफ़ी हद तक कंट्रोल में रखा जा सकता है। इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिलते हैं और उसके साथ साथ कुछ होम्योपैथी मेडिसिन होती है जो कि इसमें चमत्कारिक रिजल्ट्स भी देती है। दोस्तों आज का वीडियो खास है, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी आईबीएस के बारे में कि आखिर आपको आईबीएस अगर है तो आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। खास तौर से हम बात करेंगे ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको अवॉइड करनी चाहिए, जो कि आपको नहीं खानी चाहिए, क्योंकि यह जो होती है यह आपके कहीं ना कहीं आपके आईबीएस को ट्रिगर करने का काम करती है, उसको बढ़ाने का काम करती है और उससे आप फिर और ज़्यादा आपकी जो परेशानियाँ होती है वो बढ़ जाती है। इसलिए आज हम बात करेंगे कि खास तौर से आप ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि आप अवॉइड करें, और हम बात करेंगे ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि आप खा सकते हैं। वैसे हर इंसान की अपनी अलग नीड होती है, किसी को कुछ सूट होता है, किसी को कुछ सूट होता है, लेकिन एक आज के इस जो वीडियो में बात करेंगे उसमें कुछ ऐसी कॉमन चीज़ें हैं जो कि इसको बढ़ाने का काम करती है, जो कि हमें अवॉइड करना चाहिए। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जांगिड, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आईबीएस के बारे में आप समझ गए होंगे, मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया था और मैंने इंट्रोडक्शन में भी बता दिया कि आखिर आईबीएस क्या होता है। चलिए वो बात करते हैं बिना समय खराब किए कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको अवॉइड करनी चाहिए, जो आपको नहीं खाना चाहिए। दोस्तों एक तो सबसे पहला नियम बना लें कि अगर आपको आईबीएस है तो तेज़ मसाले वाला खाना होता है वो आपको अवॉइड करें। ज़्यादा तेज़ मसालेदार खाना, मिर्च मसाला जो होता है वो आप अवॉइड करें। तली हुई चीज़ें, फ्राइड फूड जो होता है वो भी आप अवॉइड करें। इसके अलावा अगर आप नॉनवेज लेते हैं तो उसको भी आप अवॉइड करें, उसको भी आप बिल्कुल बंद कर दें। नॉनवेज मिर्च मसालेदार खाना जो होता है वो आप अवॉइड रखें, आप घर का खाना खाएं साफ सुथरा। दूसरा जो सबसे ज़रूरी है वो होता है कि आपको हाई फोडमैप्स जो डाइट होती है वो आपको अवॉइड करना चाहिए। हाई फोडमैप्स डाइट यानी ऐसा खाना जिसके अंदर फैट बहुत ज़्यादा होता है, मीठा बहुत ज़्यादा होता है, ऐसी जो चीज़ें होती है वो आपको खाने पीने में अवॉइड करनी चाहिए, वो आपको नहीं खानी चाहिए। लो फोडमैप्स डाइट जो होती है वो आपको फॉलो करनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं सब्जियों की कि जो आपको नहीं खानी चाहिए, तो इसमें आपको कच्चा लहसुन, कच्चा प्याज जो होता है वो आपको अवॉइड करना चाहिए, आपको नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा आपको जो सब्जियां होती है उसमें आपको पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, ये भी आपको अवॉइड करना चाहिए, ये आपके लिए ठीक नहीं है जिनको आईबीएस की शिकायत होती है। तो इसके अलावा फ्रूट्स की हम बात करें तो वो फल जो कि बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं वो आपको अवॉइड करने चाहिए, जैसे कि एप्पल, पियर, मैंगो, ये आपको नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा अगर आप हाई फैट वाले जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी आपको अवॉइड करने चाहिए, वो भी आपको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो ये हाई फैट वाले डेयरी प्रोडक्ट होते हैं या जो जिसमें फैट बहुत ज़्यादा होता है उस दूध में, आपको ये जो चांसेस होते हैं आपके आईबीएस को ट्रिगर करने के, उसको बढ़ाने के, इसलिए वो भी आपको अवॉइड करने चाहिए। इसके साथ साथ ही आप अगर बेकरी प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो भी आपको अवॉइड करें, वो भी आपको नहीं खाना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप कोल्ड ड्रिंक, सोडा, चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल वो अगर आप लेते हैं तो वो भी आपको इसमें छोड़ देना चाहिए या अवॉइड करने चाहिए, वो आपके आईबीएस को ट्रिगर कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ ही ग्लूटीन वाला जो अनाज होता है जैसे गेहूं, ज्वार, वो भी आपको ऐसा माना जाता है कि आपके आईबीएस को बढ़ाने का काम करता है, इसलिए आपको ग्लूटीन फ्री जो डाइट होती है वो आपको फॉलो करनी चाहिए, वो आपको लेनी चाहिए। इसके अलावा आपको इनसॉल्युबल जो फाइबर्स होते हैं वो भी आपको खाने पीने में अवॉइड करने चाहिए। इनसॉल्युबल जो फाइबर्स यानी आपको जो डाइजेस्ट होने में आपको परेशानी कर सकते हैं और जो आईबीएस को बढ़ा सकते हैं, उसमें आपको जो साबुत अनाज होता है, साबुत अनाज आपको अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ साथ ही ऐसी जो सब्जियां होती है जैसे कि पत्ता गोभी, फूल गोभी और ब्रोकली, वो आपको अवॉइड करना चाहिए। उसके साथ साथ ही दालों में बात करें तो जो बीन्स होती है वो, और उसके अलावा जो फली वाली दालें होती है, फलियों वाली दालें जो होती है वो भी आपको अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि यह जो होती है यह प्रोटीन और फाइबर का एक अच्छा सोर्स होता है और उसमें ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और जो कि आपके डाइजेशन को आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं और उसकी वजह से आपको आईबीएस जो होती है वो आईबीएस की परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए अगर फली वाली दालें या बीन्स अगर आप लेते हैं तो वो आप एक बार थोड़ा सा, आप हर इंसान की थोड़ी सी इसमें वेरी करते हैं कि किसी को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता है, तो एक बार वो लेने से पहले थोड़ा सा ट्राई जरूर कर लें कि कहीं आपको इससे परेशानी तो नहीं हो रही है। इसके साथ साथ ही आपको फिक्स यानी अंजीर, आपको बादाम,
अखरोट ये भी आपको अवॉइड करने चाहिए, ये भी कभी कभी ऐसा माना जाता है कि इसको परेशानी को आपको बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं वो भी आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर एक्स्ट्रा साल्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और उसके साथ साथ ही आपको क्योंकि इसमें प्रिजर्वेटिव्स जो होते हैं, एक्स्ट्रा साल्ट होता है, वो आपको इस परेशानी को बढ़ाने का काम करते हैं। इसके साथ साथ ही आपको जो चिप्स है, चिप्स हो गया या फिर ये फास्ट फूड हो गया, पिज़्ज़ा बर्गर, ये भी जो चीज़ें होती है, इन सब चीज़ों को भी आपको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं तो मीठा आपको अवॉइड करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। और उसके साथ साथ ही जो ये शुगर फ्री वाले जो स्वीटनर्स होते हैं, जैसे एस्पार्टम या सॉर्बिटॉल, ये भी आपको अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि ये भी ऐसा माना जाता है कि आपके IBS के जो सिम्टम्स होते हैं उसको बढ़ा सकते हैं। और उसके साथ साथ ही आपको चॉकलेट्स, कैंडी, ये भी आपको अवॉइड करनी चाहिए, आपको नहीं खाना चाहिए। यह कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं जो कि आपको अवॉइड करनी चाहिए, अपने खाने पीने से आपको हटा देना चाहिए, ताकि आपकी जो भी समस्या आ रही है उसमें आपको जल्दी निजात मिल सके। दोस्तों, अब अगर मैं शॉर्ट में बात करूँगा ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं खाने पीने में जो कि आप ले सकते हैं, तो इसमें आपको वो सारी चीज़ें हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा मीठा नहीं हो, बहुत ज़्यादा फैट नहीं हो, वो आप ले सकते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि लो फॉडमैप्स जो डाइट होती है वो आप फॉलो करें, वो आप ले सकते हैं, जिसके अंदर मीठा और बहुत ज़्यादा तला हुआ या फैट वाली चीज़ें या जो मिर्च मसालेदार चीज़ें वो नहीं हो। इसके साथ साथ ही आप घर का साफ़ सुथरा खाना खाएं, बाहर का खाना जो होता है वो थोड़ा सा अवॉइड करें। और इसके साथ ही अगर हम बात करें फ्रूट्स की, तो फ्रूट्स में आप बनाना ले सकते हैं, आप ग्रेप्स ले सकते हैं, कीवी ले सकते हैं, ऑरेंज ले सकते हैं, पाइनएप्पल ले सकते हैं, ब्लूबेरी और गुआवा ले सकते हैं, और पपैया यानी पपीता खा सकते हैं। और उसके साथ साथ ही अगर सब्जियों की मैं बात करूँ तो सब्जियों में आप पालक ले सकते हैं, आप गाजर ले सकते हैं, आलू ले सकते हैं, पम्पकिन ले सकते हैं, राइस ले सकते हैं, मिलेट्स ले सकते हैं, और उसके साथ ही बेल पेपर जो होती है वो भी आप ले सकते हैं, ये सब्जियों में आप खा सकते हैं। और राइस में अगर आप ब्राउन राइस लें तो आपके लिए बेहतर रहता है। और उसके साथ साथ ही अगर हम बात करें नट्स या सीड्स की, तो पम्पकिन सीड्स जो होते हैं वो आप ले सकते हैं। ये जो खाने पीने की चीज़ें हैं ये आपके IBS में सेफ मानी जाती है, वो लेने से आपको IBS जो होता है वो ज़्यादा परेशान नहीं करता है। और उसके साथ साथ ही कुछ होम्योपैथी मेडिसिंस होती है जो कि आप अपने नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर के गाइडेंस में अगर आप लेते हैं तो आप अपनी IBS को काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। और IBS के लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो भी बना रखा है, उसमें होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में बताया है। और फिर भी अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो आप मेरी क्लिनिक पर आके भी मिल सकते हैं, मैंने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दे रखा है। दोस्तों, ये एक छोटी सी जानकारी थी कि IBS में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, जो आपको अवॉइड करना चाहिए, उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की आपको पसंद आई है और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।